हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे एंटरटेनिंग चैनल द हंगामा फिल्म्स में। मैं हूं राहुल शर्मा और आज मेरे साथ फिर से मौजूद है। मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। तो मिमिक्री कैसी लगी भाई मेरी? भाई ने बहुत ही जबरदस्त मिमिक्री करी है, जाके वीडियो को देखो। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा वीडियो पहले आ चुकी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें डिलीट करनी पड़ी। जिन्होंने वीडियो देख ली उनको पता होगा क्या प्रॉब्लम हुई थी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो चल के देखो इस वीडियो को। मिलेंगे आपसे वीडियो के एंड में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कॉल प्रैंक, और ये कॉल प्रैंक होगा नीतीशा के ऊपर। नीतीशा मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है जो मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी डिटेल्स डाली हुई है उसने शादी वगैरह के लिए। तो सनी भाई उसको करेंगे कॉल और बनाएंगे उसका बकरा। तो राहुल भाई, हाँ सनी भाई, नंबर मिलाओ उसका, नंबर बताओ। 9 9 5। नीतीशा ना बताया ना, नीतीशा इसमें भी रिकॉर्डिंग ऑन कर। अच्छे से खींचने का चिंता ना करो नीतीशा ना। हेलो, यस हाय, नीतीशा बात कर रहे हो क्या? नीतीशा, हाँ मैं पूजा बात कर रही हूँ, कैसे हो नीतीशा? आई एम गुड। तो मैंने आपकी, आपसे जो मैंने बात करनी है, मैं पूजा बात कर रही हूँ। आपकी मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी थी अपने भाई की शादी के लिए, आपसे मैंने बात करनी है। ओके, या श्योर, प्लीज टॉक। पहले तो आप हिंदी में बात कर लो, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वगैरह मत जाओ प्लीज। ओके यार, आपसे बात किया, सॉरी। एक सेकंड, पहले मैं सबका इंट्रो करा देती हूँ, दादाजी आपसे बात करेंगे। हाँ जी दादू, वो जो देखी थी ना, हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ वही बोल। हेलो हेलो दादाजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और कैसे हैं? और कैसे है बेटा? ओके, अरे मैं पूछूं कैसी है बेटा? खांसी आ गई थी, कैसी है? अच्छा सॉरी, हाँ दादाजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक बेटा, बस कट रही है। हाँ बेटा, ये मेरी पोती की मम्मी बात कर रही है। अच्छा जी, हाँ हेलो। हाँ जी आंटी, हाँ कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। और घर में सब कुशल मंगल? हाँ जी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा तो शुरुआत करें? या श्योर, आप प्लीज पूछिए। क्या करती हो, कहाँ जाती हो? और मैं काम करती हूँ। और किस किस के साथ गुलशन, सॉरी मतलब कितने फ्रेंड्स वगैरह हैं और कहाँ जाती हो? आंटी मेरे तो ऑफिस की फ्रेंड्स है ज्यादातर, और बस ज्यादा कहीं जाती नहीं, बिकॉज काम, ऑफिस टाइमिंग ऐसी होती है तो ज्यादा कहीं जाती नहीं मैं। मतलब बहुत बिजी रहने वाली है कन्या हमारे घर आने वाली है? नहीं आंटी ऐसे नहीं, मैं फैमिली के लिए, मेरी फैमिली फर्स्ट है तो ऑब्वियसली फैमिली को तो टाइम दूंगी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा जी। तो बाकी जो बात है बेटा वो मेरी ना बेटी करेगी, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, हाय दी। हाय हाय पूजा, पूजा कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ऐसी बात करी जैसे दोस्त है, मतलब हम तो बन जाएंगे, मैं तो तेरी ननंद बनूंगी। मेरे को तो मतलब भाई की शादी भाई घोड़ी पे और तू मतलब सॉरी घर पे, ठीक है। अब मतलब जो फाइनल क्वेश्चन है वो मेरा ये है, पहला क्वेश्चन आपसे कि चिकन खाते हो? नहीं मैं चिकन नहीं खाती, मैं प्योर वेज हूँ। तो खाया करो ना, हमारे घर में तो डेली बकरा कटता है, सॉरी मुर्गा कटता है। अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली प्योर वेज फैमिली से हूँ तो चिकन नहीं खाती। फाइन फाइन, लेकिन स्टार्ट कर देना, क्योंकि घर पे आओगी तो बकरे वगैरह सब सामने पड़े होंगे तो काट के खाने पड़ेंगे। हाँ कि हम पूरे ओपन हैं, कोई शर्माहट वगैरह कुछ नहीं हमारे अंदर। दूसरी चीज मेरे को ये क्लियर करनी है, क्या पैक लगाते हो? नहीं आंटी, नहीं दी, मैं पैक नहीं लगाती। दारू का नाम क्या लिया तेरे को चढ़ गई? मतलब तू अचानक से मतलब पूजा बात कर रही हो आंटी पे आ गई, पागल? नहीं नहीं, पकड़ी गई तूने, लगाया था कभी ना कभी तो तूने पौवा लगाया, सॉरी वोडका मारा तूने? नहीं मैंने कभी नहीं मारा थी वोडका, मैं ड्रिंक्स नहीं करती। ओके ओके फाइन। वैसे सच्चाई बताऊं मैं? हाँ जी। दादाजी डेली लिटिल लिटिल बनाते हैं सबके लिए, दादा को सारे बैठ के पीते हैं, कोई मतलब शर्माहट नहीं है हमारे अंदर, सबके सब फुलटू शराबी और फुलटू टल्ली बात, एक नंबर के कमीने एक नंबर के ठरकी। बस आखिरी जो बात है वो क्लियर कर दो, क्लच जाते हो?
हाँ मैं एक दो बार जाती हूँ, बस महीने में एक दो बार। क्यों जाते हो यार? ये तो मतलब हमने क्या कोई घर के अंदर वो बार बार बनाना है जो मतलब जाते हो अयाची करते हो? ये गलत चीज है, शर्म नहीं है क्या आपके अंदर? एक्सक्यूज मी, आप लोग भी तो ड्रिंक करते हैं, तो क्लब जाने में क्या हो गया? अरे जाने में कुछ नहीं हुआ, शर्म आया, हम घर में गुलसर्रे उड़ाते, तो बाहर गुलसर्रे उड़ा रही है। एक्सक्यूज मी। हाँ मी, बता आगे। आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? अगर आप क्या ड्रिंक करते तो अगर क्लब जा रहे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू होगा। अरे मतलब तू बाहर जा रही है, गुलशर्रे उड़ा रही है, तेरे को दुनिया देख रही है, तूने स्कर्ट पहनी हुई है, तूने मिनी ड्रेस पहनी हुई है, हम तो घर के अंदर अपनी औकात दिखाते हैं ना, तू बाहर क्या करने जाती है? बाहर मेरे से ना, मैं मुझसे बहुत गुस्सा, एक सेकंड मेरे को आ रहा है बहुत गुस्सा, एक सेकंड दादू कुछ बोलना चाहती है, एक सेकंड बात करो, आप एक सेकंड बात करो, कुछ क्या कहा जाती पता है आपको? बात करो। हाँ हेलो। हेलो, हाँ जी दादाजी। कहाँ जाती है बेटा ऐसा जिसको इसको बुरा लग गया? अब दादाजी उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्लब जाती हूँ कि नहीं, तो मैंने बोला मैं महीने में एक दो बार क्लब जाती हूँ बस। कोई बात नहीं बेटा, इसको पानी मार, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, कभी कभी मैं तेरे साथ चल लूंगा, सॉरी कभी कभी मेरा पोता चल लेगा तेरे साथ, कभी कभी तू उसको जबरदस्ती ले जाइयो। इसमें चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात का बुरा मत मानिए, थोड़ा ये ले लेती है कभी कभी गुस्सा। अच्छा ये एक फाइनल क्वेश्चन पूछना है, क्या बेटा कभी वो किया? एक सेकंड, ये मेरा शोभा नहीं देता, एक सेकंड इसकी माँ से बात कराता हूँ। हाँ हेलो। हाँ जी बेटा, कभी बॉयफ्रेंड वगैरह बनाए क्या? नहीं, मेरा कोई ऐसा माया चलता नहीं है, तो नहीं मैंने कभी। बेटा इसमें कोई पाप नहीं है, इसके अंदर क्या है मतलब कुछ ऐसा है भी नहीं। मेरी बेटी के 12-13 बॉयफ्रेंड है, डेली घर पे आते हैं, कल अंकित आया था, आज मनोज ने आना है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ओके, सबका फैमिली का अपना अपना होता है। अपना होता है, लेकिन तू अपना बना ले ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं। बात सुन बेटा, मेरा बेटा विनोद अगर तेरे साथ सेटिंग, मतलब तुम दोनों की तो शादी हो गई, अगर तुम दोनों बाहर भी सेटिंग करते हो हमें आपत्ति नहीं है। हमारा पूरा खानदान, 12-13 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब आम बात है बेटा, सब आम बात है। अच्छा एक बात और ओपन करनी, बाद में पता लगे बुरा बतानी है बेटा, मैं भी तेरी सासू माँ हूँ, मेरे खुद के दो है बेटा बॉयफ्रेंड, इसमें कोई आपत्ति नहीं बेटा। एक फाइनल बात करनी थी, वो मेरे बस में नहीं है ना, मैं पूछ सकती, ऐसे कुछ बहुत बात करनी है, मेरी बेटी करी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। बुरा मत मानना, मैं थोड़ी हाइपर सी होगी थी, तूने बोला ना बाहर जाती है, तो मैं थोड़ा चलो जो भी पानी मारो, कभी वो किया है आपने? क्या? अरे SEX SEX मतलब कभी किया है क्या आपने? सेक्स? हाँ एक दो बार किया है बस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। यार तू ना एक नंबर की हराम की पिल्ली है, सुन मेरी बात, आप कैसी बात, मेरी बात सुनेगी पहले, तू मेरी बात सुनेगी, मेरा पूरा खानदान मेरे सामने बैठा है, तूने कैसे कर लिया? हम खाली बॉयफ्रेंड बनाते हैं, हम कभी करते नहीं किसी के साथ। एक मिनट रुकिए, आप ड्रिंक करते हैं वो कुछ नहीं है, आपको क्या लगा, आप कुछ भी बोले जा रही है, चूते समझ रखे क्या मेरे को? चूते तो तुम हमारा एक मिनट ये चूती क्या, आपने पहली बार आपका बेटा ऐसे बड़ा दूध का झूला है, कुछ भी कभी आप कुछ भी कह रही है, आप कुछ नहीं कह सकते, ऐसे कैसे कह सकती है आप? हर समय की मैं ही चूती हूँ, जो मैंने ऐसे मेटे मोटे साइड पे बना लिया, पता नहीं 50 कॉल आते हैं, चूते समय रखा है, आपने बोला आप ड्रिंक करते हैं, आप क्या ड्रिंक अलाउड है? दारू नहीं पीती बॉयफ्रेंड, तूने अगर बॉयफ्रेंड तू नहीं बनाती सीधा तो वो करती है। तो एक मिनट बताए, आपके आपके आपने बोला कि आपके सास माँ के या उनके 2-2, 15-15, 20 बॉयफ्रेंड, वो कुछ नहीं है। अरे तो उनकी मर्जी है ना, वो जो मर्जी करे, तू तो मेरे भाई की बीवी होने वाली है, तू कैसे? तो एक मिनट बताइए, जो मर्जी वो करे, अच्छा तो मतलब वो कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं करूँ सब कुछ, आप ऐसे कैसे कह रही है? आप मुझे गालियां दे रही है, आपको क्या मतलब है? मैं ही छूट गया हूँ जो आपको, आपके जैसे लोग ही कॉल अटेंड करे, ऐसे ऐसे है ना, आज की बात कॉल करना मत, ठीक है? एक सेकंड रुक जा, मेरे जो आंसू तूने निकाले हैं ना अभी, मैंने तेरे को पता ना क्या क्या सपने देख लिए थे, तेरे साथ घूमूंगी। एक मिनट, आपने सपने देखे, लेकिन आपको मेरे आंसू गिरने से पहले मेरा दादा तेरे को कुछ कहना चाहता है, सुन ले मेरी बात, मेरे दादा तेरे से कुछ कहना चाहते हैं, वो सुन ले, मैं जो रोई हूँ ना आज,
एक एक आंसू का पता चले। एक मिनट, रोने की क्या बात है? आपने मुझे मेरी ननंद वो करती है, इतनी गंदी चीज है। मतलब आप शराब पीते हैं वो अच्छी बात है, आपके पर्सन की बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर मैं कुछ करती हूँ तो आपको इतना लग रहा है? लेकिन दादा बात करना, इसने वो किया, छोड़ो आप मत बोलना, लेकिन बाकी बात करो आप। हाँ हेलो। हाँ जी दादा जी, जो है गलत है बेटा, जो हुआ वो भी गलत है बेटा, और जो नहीं होना चाहिए था वो भी गलत है बेटा। मैं तेरे को इतना कहूंगा, आखिरी सांसें गिन लो बेटा, मैं अगर तूने किसी का घर बसाना है, किसी से शादी करनी है, अगर तूने किया भी हुआ है तो तू नहीं बताएगी किसी को बेटा। कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वो मुझे इतना बदतमीज़ है, रूठी बात कर रही है, ऐसे तो कोई भी नहीं टॉलरेट करेगा ना। आप खुद सोचिए, आप खुद बोल रहे हैं आपकी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है। इसको दोबारा मिट्टी मार, पति को जो तेरी हम शादी करने जा रहे हैं अपने पोते से, उसको भी ये सब नहीं बताएगी तू? शादी एक नहीं बताइए, फैमिली में मुझे मेरी चीजें इकट्ठा कर रहे हो तो फिर मैं फैमिली शादी क्यों करूँ? ये प्रॉमिस कर तू पति को, ये सारी चीजें नहीं बताएगी। मैं ऐसे कैसे प्रॉमिस कर सकती हूँ? नहीं बेटा, बोलना पड़ेगा, नहीं तो घर पर बात हो जाएगा सारा का सारा, जल्दी बोल नहीं बताएगी। लेकिन इससे पहले चीजें कंपैटिबल दादा, मैं कुछ कह रहा हूँ तू बोल नहीं बताएगी। दादाजी नहीं बताऊंगी इसका मतलब तो धोखेबाज है, नहीं बताएगी तो तेरे को तो बताना पड़ेगा। तू तो झूठी, आपने मुझे झूठे बता के, मतलब आपकी पहली बेटी मुझे कुछ बोली, फिर आप कुछ बोले धोखेबाज, कुछ भी धोखेबाज होगी आप। एक तो सब बात बता रहे सच्चे, ऊपर से आप मुझे वो कर रहे हैं, मुझे तो बात ही है झूठिया नहीं है तो पहले तो समझ सकते हैं कि मेरे को जब अगर मैं इस साइड पे साइड की मैंने अपनी प्रोफाइल लिख के बनाई, सबसे बुरी बात यह की सबसे बुरा काम मैंने किया, ठीक है? आज तक कॉल ना आ जाए बेटा, मेरे को भी इस तमाशे आ गए, ये लास्ट बात, ये आखिरी बात, एक शब्द बेटा इसकी मम्मी बोलेगी। हाँ हेलो। हेलो, ये जो भी बातें हुई बेटा तू बोली, ये सब नहीं बताएगी किसी को? मैं आप पागल थोड़ी, आप कोई तीनों बात एक नहीं बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी मेरी वाइफ मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूंगी तो मेरे है। रामन है, हाय हाय तेरे को लगेगी, हाय तू फोन रख, हमारा घर और बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया 15 मिनट के अंदर, तू फोन रख, बाय खटिया। अब इसको दोबारा बोल लगा, अभी से बता दो, बताना है क्या भाई? हाँ, बताओ भाई, नहीं तो परेशान होगी, फांसी लगा लेगी। लगता नहीं उठाएगी, सदमा लग गया भाई। अरे हेलो, हेलो 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 हेलो, अभी आपने जिनसे भी बात करी, मैं उनका बेटा बात कर रहा हूँ, आपका होने वाला पति, मेरी बात एक सेकंड, एक मेरी बात सुनिए आप, सुनेगी? चट मंगनी पट शादी, चट मंगनी पट शादी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बोलूंगा ये करती है वो करती है, तुम्हें जो करना करिए, लेकिन चट मंगनी पट शादी मुझे करनी नहीं, घर में शादी मुझे करनी है, ऐसे साइको लोग की शादी, आप तो पागल है क्या? छोटे से बात करो तुम, मान जाओगे। आप राहुल शर्मा को जानती हैं? राहुल शर्मा ने आपका तगड़ा बकरा काटा है, ये आपके साथ एक प्रैंक शूट था, बात करिए अगली आवाज राहुल शर्मा की। हेलो, क्या हो गया, शादी वादी नहीं करनी क्या? हेलो, सदमा लग गया आपको? बोलेगी कुछ? बड़ी प्रोफाइल अपडेट कर रही थी तू? हमें तू इतनी गालियां भी देती है? मतलब जो आपका कटा है ना, बढ़िया कटा है। अच्छा सुन, मेरे चैनल पे देख ली वीडियो आएगी, अभी देख तेरी वीडियो बनाई है, पूरी पूरी फिल्म बनी है तेरी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये शानदार वीडियो, तगड़ा बकरा काटा है हमने, ऐसी बकरे अगर आपको कटवाने हैं तो नीचे कमेंट करो, जिसका भी कटवाना है बकरा निकल से बकरा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करो, इस सब वीडियो को सब जगह शेयर करो, और हम लोगों को इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, द हंगामा फिल्म, यूजर नेम यहाँ रहा होगा, और भाई का चैनल तहलका प्रैंक जरूर सब्सक्राइब कर ले जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें हमारा चैनल द हंगामा फिल्म, मौज लगी दिल्ली।